क्या आपको पता है कि भारत में 70% से भी ज्यादा बिजली कोयले से बनती है। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत के सभी पावर प्लांट्स के पास अब सिर्फ 2 से 3 दिनों तक का ही कोयला बाकी है, तो फिर क्या आने वाले 2 से 3 दिन बाद भारत पूरी तरीके से ब्लैकआउट हो जाएगा? क्या आने वाले सभी त्योहार सिर्फ दियों की रोशनी से ही जगमगाएंगे? क्या ये बात सभी पावर प्लांट्स को पहले से ही पता थी? तो आज हम इस वीडियो में इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानेंगे इन आर टुडेज वीडियो टाइटल्ड कोल क्राइसिस इन इंडिया। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि सभी पावर प्लांट्स के पास अब सिर्फ 2 से 3 दिनों तक की ही बिजली बाकी है। ऐसा क्यों? तो आप जानते हैं, कोरोना महामारी के लॉकडाउन के खत्म होने के बाद भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ी है, जिस वजह से कोयले की डिमांड भी बहुत आगे है। इस वजह से कोयले की कीमतें भी आसमान छू रही हैं। पर दूसरी तरफ भारी बारिश की वजह से कोयले की खदानों में पानी भर चुका है, जिस वजह से कोयला नहीं निकल पा रहा है। और इसीलिए ये कयास लगाई जा रही है कि आने वाले 2 से 3 दिन बाद भारत पूरी तरीके से ब्लैकआउट हो जाएगा। आपकी इस बारे में क्या राय है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।